तहजीब सिखाती है दुनिया में जीने का सलीका, तालीम से किसी जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो हमें चाहिए कि तालीम के साथ साथ हमने तरबियत भी हासिल करना है, और जिस तरीके से लोग ये दुनिया ये मॉडर्न चेंज होता जा रहे हैं, हमने भी चेंज होना है। आपको मैं छोटी सी एक स्टोरी सी स्टोरी को हम नहीं कह सकते, एक हत्या हकीकत है, लेकिन गौर से सुने और इसे समझें। नोकिया मोबाइल का नाम आपने सुना होगा, हो सकते हैं आपके वालदे ने आपने इस्तेमाल किया हुआ होगा। नोकिया जो मोबाइल है उसकी एक यानी कि एक ब्रांड और एक यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है, अभी भी है लेकिन अभी उनका नाम नहीं। तो जब नोकिया स्टार्ट में आएगा तो एक छोटा सा मोबाइल भी उनके 5 से 6 हज़ार का था, उससे कम नहीं था, क्योंकि एक ब्रांड थी, एक लंबे अरसे तक चलने वाला। और हो सकता है कि ये नोकिया का जो मोबाइल या 20 साल पुरानी मोबाइल भी हो सके लेजी चल रही है, जिस तरीके से वो सब तालीम के साथ साथ तरबियत आपने ज़रूर लेनी है। ये जो हमारे 2014 में वाकया हुआ है, ये बच्चे भी सुबह निकले थे स्कूल से लेकिन वापस नहीं है, वापस कुछ हॉस्पिटल जो गिने चुने बच्चे बचे। तो ये उनके वालदेन के लिए बहुत मुश्किल मकाम। तो आप लोगों ने जब आप स्कूल आ रहे हो तो आपने अपने तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है और तरबियत के ऊपर तवज्जो देनी है। हम तो तालीम हासिल कर लेते हैं बाजू का, लेकिन तरबियत या शऊर हमें नहीं आती। उसकी वजह यह कि हम तालीम को दाखिल नहीं कर पा रहे, तालीम को सर के ऊपर से गुजार रहे। तालीम को सर के ऊपर से ना गुजारें, तालीम को दाखिल करें अपने अंदर। आई बात समझ? तालीम को दाखिल करोगे सर के ऊपर से गुजारोगे? बिल्कुल दाखिल करनी है। तालीम हासिल की है लेकिन तालीम को दाखिल नहीं किया, तो वही जहालत। आप उनसे बात करें, उनको बात करने का तरीका नहीं आता, उनकी वजह ये है कि तालीम को दाखिल नहीं कर पा। तो मैं सर से इजाज़त चाहूँगा सर, और आप लोगों ने मुझे सुना, थोड़ा सा बर्दाश्त किया, क्योंकि बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज और बारी बारी अल्फाज कहे, हो सकते हैं अल्फाज अभी आपके समझ में नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे या जो हमारे टीचर्स हैं या जो बड़े बच्चे हैं उनके माइंड में होगा कि ये अल्फाज कितने बारी थे। इन्होंने सबसे स्टार्ट में कहा कि अल्लाह करे ऐसी दिसंबर कभी नहीं आए, ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसी दिसंबर कभी नहीं आए, बच्चे स्कूल गए और वापस नहीं आए। हम अपने को बच्चे और टीचर जितने भी हैं सबको मैं दिल की गहराई से सलाम पेश करता हूँ, और नेक्स्ट वीक आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की और सुबह सुबह उठ के उठे, और नेक्स्ट ईयर thank you.